देशना सीमाड़े रात दिवस अने टाढ़ तड़को जोया वगर फरज बजावता सैनिकों ने ज्यारे पगार के पेन्शन माटे मन दुख थाय त्यारे चिंता पण देशवासियों द्वारा थवी जोईए। एक नौकरी एक होद्दो अने एक सरखो कार्यकाळ छतां पेन्शन जुदा जुदा मळे तेवी विसंगतता धोई काढवानुं काम मोदी सरकारे करता लश्करी दळनो जुस्सो बुलंद ઉપર છે અને તેમના મહાનાયક છે નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી। ये वो आरोपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का, 8 से 10 हजार करोड़ रुपया। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। देश जेमनी बहादुरी ऊपर गर्व करतो होय तेवा सैनिक पेन्शन माटे कचवाता होय ते केम चाले? वन रैंक वन पेन्शन नो 40 वर्ष जूनो प्रश्न चपटी मां उकेली नाखता मोदी सरकार ने लाखों परिवार नी दुआ मळी छे। 2015 नी 6 सप्टेम्बरे वन रैंक वन पेन्शन जाहिर थता लश्करना 14 लाख वर्तमान अने 25 लाख निवृत्त कर्मचारीए फायदा नो रोमांच अनुभव्यो। आगे की सरकार से हमें परिणाम नहीं मिलता था, मगर ये नरेंद्र मोदी साहब की राष्ट्रवादी सरकार ने हमारी ये जो बातें सुनकर के उसको संवेदनात्मक रूप से इस प्रश्न को हल किया है। इससे इसकी पूरी जो असर हुई है उसकी सामाजिक जीवन पर, वो माजी सैनिक के जीवन पर, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी मेडिकल सारवा, उनकी सर्विस या उसका लाइफस्टाइल, जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें उसको ये मदद रूप हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, हम सभी उससे खुश है। वहली उम्र नौकरी अने निवृत्ति ए लश्करी नौकरी नी खासियत छे। सरकारी कर्मचारी भले 60 वर्षे निवृत्त थतो होय परंतु एक जवान 30 થી 35 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્ત થાય છે, મતલબ કે પેન્શન તેના જીવનના ઘણા બધા વર્ષો માટે આજીવિકા બની રહે છે। 2006 પહેલા નિવૃત્ત થનાર સૈનિકોને પેન્શનમાં એટલી વિસંગતતા હતી કે પોતાના જુનિયરથી પણ ઓછું પેન્શન તેમને મળતું હતું। आर्मी से 1995 में रिटायर्ड हुआ, पेंशन में तकरीबन 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से बढ़ा है और उसी हिसाब से सबको बढ़ा है, जैसे जैसे सर्विस है उस हिसाब से, और मेरे को एरियस के रूप में भी 2 लाख रुपया जितनी रकम मिली। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, उन्होंने जो ये सब माजी सैनिक और जो भी सर्विस में उनके लिए जो भी ये कदम उठाया बहुत सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। सरकार ने हमारा जो वन रैंक वन पेंशन मंजूर किया है, उसकी वजह से हमको हर एक महीने माजी सैनिक को 1,000 से लेकर 10,000 तक का फायदा हुआ है और 50,000 से 2.5 लाख तक का एरियर्स मिला है। इसके फलस्वरूप हम माजी सैनिक का इस महंगाई के समय में जो पहले कठिनाई थी वो काफी दूर हुई है। पेन्शन की रकम नक्की करवानी आंकड़ाबाजी एटली विचित्र हती कि अन्याय सिवाय तेमाथी कशु हाथ लागतुं नहोतुं। लश्करी नौकरी में जुवानी बर्बाद करनार जवान दुभातो फरतो हतो। अफसोस ने आनंद में पलटी काढ़ी मोदी सरकारे सरहदनुं रखोपुं करनारने साचवी लीधा छे। दूरदर्शन समाचार, अमदावाद।